मेरा सपना था पिताजी के मेहनत से बनाए। मुझको दीवाना समझना, मैं नहीं आशिक आवारा। नाबालिग लड़की की बिल्ली चुराली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में एनर्जी है, टैलेंट है, और अब हम आ गए हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल। हेलो गाइस, हॉस्टल की मस्ती होती है कुछ अलग, और अगर हॉस्टल में हो अपना खुद का एक रॉक बैंड तो मस्ती में लग जाता है रॉकिंग बैंड। यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में होती है मस्ती। किस तरह की मस्ती ये हम आपको बताएंगे। मस्ती तो हॉस्टल में भी खूब होती होगी। हाँ जी, बहुत होती है। हॉस्टल में किस तरह की मस्ती होती है? हॉस्टल में हर तरह की मस्ती होती है, अलग अलग टाइप्स की। हॉस्टल में अलग अलग टाइप्स की मस्ती होती है, लेकिन हॉस्टल का ये बैंड बनाता है इस मस्ती को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। और यहाँ के स्टूडेंट्स ने आपके लिए प्रिपेयर की है कुछ अमेजिंग से रॉकिंग परफॉर्मेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं परफॉर्मेंसेस, और उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की मेहनत आपको जरूर पसंद आएगी। तो गाइस, आर यू रेडी? दर्शाती है मेरे दिल को जन्म, धड़काती है बहकाती है। तू कभी किसी और की होना नहीं, बन ही गया सूफी, तेरे प्यार में बन ही गया। जो मुझ में है शख्स वो कह रहा, अब मैं दू कर चुप है मेरी, जख्म हुआ फिर हरा। दिल के वीरान में मेरे फजाने में तू ही तो हर दम रहा। तेरा मेरा रिश्ता पुराना। पता न चले तेरे हर पल में गुजरा हूँ, तुझे पता न चले करे तो फिर क्या करे, तेरे बिन कैसे जिए, आँखों में क्या लिए, बोलो कहाँ कहाँ।
भी बोर हुए, बस बैंड उठाए और शुरू हो गए। मतलब क्या करते हैं, क्लास बंक करते हैं, गिटार उठाते हैं, वहाँ पे गोल चक्कर है, वहाँ पे इंटरसेक्शन पड़ता है, वहाँ पे मैं बैठ, हम बैठते हैं, पाँच छह बंदे आते हैं, बस चालू, फिर नहीं किसी को देखना ना किसी को सुनना। चलिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आकर हमने जाना कि यहाँ के स्टूडेंट्स क्यों मानते हैं अपनी पाठशाला को, बस्ती की पाठशाला किस तरह क्लास में या फिर हॉस्टल में करते हैं एंजॉय। फ्रेंड्स अब तक के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते एक नए इंस्टीट्यूट के साथ, एक नए कॉलेज के साथ हम वापस आएंगे और जानेंगे कि क्यों उनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली आज तक।